नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बाबा रामदेव को महाराष्ट्र में 547 एकड़ जमीन। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में 4 इकाइयां स्थापित करेगी। इसके लिए उन्हें महाराष्ट्र में 547 एकड़ जमीन मिल गई है। ये इकाइयां नागपुर में मिहान, अमरावती और कातोल के अलावा गढ़चिरौली में स्थापित की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार पतंजलि योगपीठ को मिहान में खाद्य संस्करण इकाई लगाने के लिए 347 एकड़ जमीन, वहीं कातोल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में करीब 200 एकड़ उपलब्ध कराएगी। इस बीच राकपा ने जानना चाहा कि पतंजलि को किस नियम के तहत भूमि का आवंटन किया गया। राकपा ने कहा कि यदि सरकार इसका उचित जवाब नहीं देती तो वह अदालत में जाएंगे। रेल बजट में बढ़ सकता है रेल किराया, एसोचैम ने की मांग। रेल बजट से पहले उद्योग मंडल एसोचैम ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए यात्री किराए बढ़ाने को कहा है। एसोचैम ने कहा कि यात्री किराए को माल भाड़े की कीमत पर निचले स्तर पर रखा जाता रहा है। रेल मंत्री को दिए ज्ञापन में एसोचैम ने कहा कि यात्री किराए बढ़ाने को लेकर राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा है। हालांकि यात्री ऐसा नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि किराया बढ़ोतरी के साथ उन्हें बेहतर सुविधाएं भी मिले। मसलन ट्रेनें समय पर आए, स्टेशनों पर साफ सफाई और सुरक्षा हो और खाने की गुणवत्ता बेहतर हो। एसोचैम ने कहा कि किराए में बढ़ोतरी से यात्री ट्रैफिक पर होने वाले नुकसान में कमी की जा सकेगी। जेएनयू विवाद में उमर खालिद और अनिबान भट्टाचार्य ने किया आत्मसमर्पण। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 2 छात्रों उमर खालिद और अनिबान भट्टाचार्य ने दिल्ली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से मना करने के कुछ घंटे बाद आत्मसमर्पण किया। गत 12 फरवरी से लापता रहने के बाद दोनों रविवार की रात जेएनयू परिसर में वापस लौट आए थे। दिल्ली पुलिस के वाहन से उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। खालिद और भट्टाचार्य उन 5 छात्रों में से है जिन्होंने संसद भवन हमले के दोषी अफजल गुरु की 9 फरवरी को बरसी के मौके पर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी नारेबाजी की थी।